पावन मौके दे उपर मैनू उस मुख मंत्री नू सुनाम दी धरती दे उपर वेलकम करन दा जी आया कहन दा मौका मिल रहा है कि जिन्ना दी नीयत नू देख के जिन्ना दी नीति नू देख के जिन्ना दी इमानदारी नू देख के जिन्ना दी मंशा नू देख के जिन्ना दी कार्य शैली नू देख के अज शहीद उधम सिंह जी होना दी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी होना दी करतार सिंह सराबा होने दी राजगुरु सुखदेव होना दी आत्मा नू सही मायने दे विच लंबिया समया दी उड़ीक तो बाद ठंड पै रही होगी कि पंजाब ने कह जा धरती मां दा पुत चुन लिया जिहड़ा साफ नीयत और नीति दे नाल पंजाब दे लोकां दी सेवा कर लग्या होया जिहड़ा साफ नीति दे नाल साफ नीयत और नीति दे नाल पंजाब दे लोकां दी सेवा कर लग्या होया। मैं कोई इस पावन पवित्र मौके दे उपर कोई राजनीतिक गल्लां करके मैं इस मौके दी महत्ता नूं घटाउणा नहीं चाहुंदा या गंदला नहीं करना चाहुंदा, पर इह कहण दे विच वी मैं गुरेज नहीं करूंगा कि इस तो पहला आले तां कई इहो जे सीगे कि जिहड़े उधम सिंह जी होणा ने भगत सिंह जी होणा ने जिहड़े बाहर कढे सीगे मुल्क तो उह कल्ले स्किन दा रंग ओ शरीर दा रंग बदल के ओह मुड़ के फिर इत्थे राजपा कर दे गए ते उसे तरीके दे नाल ओह लुटदे गए उसे तरीके दे नाल लुटदे गए। पर अज माण महसूस हो रहा समुचे पंजाब नूं अज माण महसूस हो रहा समुचे पंजाब नूं सुनाम नूं और मैनू उचेचे तौर ते कि मैनू इहो जे मुख मंत्री नूं स्वागत करन दा उहनां नूं वेलकम करन दा मौका मिल रहा है कि जिहड़े दिन रात इक करके पंजाब दे लोकां दी सेवा करन दे विच लगे हुए ने। और मैं समझदा कि जिथे जिथे नीतां साफ हुंदियां ने ना जी जिथे नीतियां साफ हुंदियां ने ते उत्थे जहां चाह वहां राह उत्थे परमात्मा भी आपे साथ है जिहड़ा वह वड्डे पद्धर दे उपर दिंदा ते दे रहा है। और इहो जिहां गंढां जिहड़ियां लंबे समय दे विच उदों दीआं सरकारां पा के गईआं ने उहनां नूं चाहे गंढां उहनां ने हत्थां नाल पाईआं सी पर मानसा मूंह दे नाल गंढा हो खुल लगे हुए ने। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया एक बार फिर तो जिथे धन्नवाद करदा मान साहब का सारे साथियों का तुहाडा उत्थे ही मैं तुहानू याद करवाउणा चाहुंदा कि जदों हल्के दे विच इलैक्शनां तो पहला मैं जांदा सीगा वोटां वेले ते उदों मैं साथियों इक्को गल कह के आउंदा सीगा कि गुड़ती मिली हुई है काम कराउण दी काम करन दी मैनू अपने पिता स्वर्गी बहु भगवानदास जी अरोड़ा तो ते जिस दिन सरकार बन गई आम आदमी पार्टी दी झाड़ू वालियां दी ते पंजाब दे मुख मंत्री बन गए साडे वड्डे वीर सरदार भगवान सिंह मान उस दिन मैं सुनाम हल्के दे कम्मां दी विकास दे रिकॉर्ड तोड़ मैं कड़िल कढ दूंगा कड़िल मैं कह के आउंदा सीगा ते मैनू अज इह दसदे हुए खुशी हो रही है कि वह कड़िल वह कम्मां करन दे जिहड़े लंबे समय तो पेंडिंग पए सीगे डिवेलपमेंट दे कम विकास दे कम वह कड़िल कढ़न दा कम है जिहड़ा वह शुरू हो चुके है। मान साहब एक स्टेडियम का उद्घाटन 1,66,00,000 रुपए के नाल उहदा नींह पत्थर रख के आए ने और मैं तुहानू यह जान के खुशी होएगी कि मैं पिछले समय दे विच सीएम साहब नूं जाके रिक्वेस्ट की सी कि बाकी जिहड़े कम ने डिवेलपमेंट के वह तो रूटीन दे विच ए मैं जदों भी जाना वह कहिंदे अमन सलाम तो मेरी आपकी जन्म भूमि है कर्म भूमि है तू कम दस की है। सो मैनू खुशी हुंदी है कि इहो जे मुख मंत्री को जिहड़े खिड़े मखे मत्थे हमेशा कम्मां नूं हाँ करदे ने। सो मैं इहनां कोल मंग लै के सीएम साहब मेरी बेनती है कि अज दे इस पावन मौके दे उपर एक तां साडे सुनाम शहर दे विच तकरीबन 5.25 करोड़ दे नाल साडा सीवरेज वाटर सप्लाई का काम है जिहड़ा वह काफ़ी देर तो पेंडिंग पिया है वह तुहानूं बेनती है कि उहदे लई सानूं जिहड़ी जल्द तो जल्द हुक्म करो तुसीं ताकि वह काम कंप्लीट कर सकीए। चीमा और लौंगोवाल दे विच दोनों थावां दे उपर बस स्टैंड है नहीं गे रोड दे उपर बसिस खड़दियां ने ट्रैफिक जाम भी रहिंदा है और लोगों नूं भी इनकनवीनियंस हुंदी है उहदे बारे भी तुहाडे चरणां दे विच बेनती है। लौंगोवाल वड्डा नगर है साडा उत्थे बच्चों की जदों कोई भर्ती हुंदी है पुलिस की या फौज की उन्हां कोल स्टेडियम नहीं हैगा रोड दे नाल नाल उह प्रैक्टिस करदे ने
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ।